लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल यानी कि आज शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के 3 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं। इन लोकसभा क्षेत्रों में कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद शामिल हैं, जहां सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में कुल 41 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला जनता करेगी। इनमें राजनांदगांव लोकसभा में 15, महासमुंद में 17 और कांकेर में 9 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। वहीं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बलों की कुल 222 कंपनियां तैनात की गई है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने पुराने मंत्रालय परिसर रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त आशय की जानकारी दी थी, जहां उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लिए राजनांदगांव में कुल 2,330 मतदान केंद्र, महासमुंद में 2,147 और कांकेर लोकसभा में 2,090 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3 लोकसभा क्षेत्रों यानी कि कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के कांकेर, भानुप्रतापपुर, केशकाल और अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 से मतदान शुरू हो गया है, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मोहाला मानपुर विधानसभा क्षेत्र मतदान हो रहे हैं, तो वहीं महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बिंद्रा नावागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बाकी क्षेत्रों में मतदान केंद्रों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग कराए जाएंगे। कुल 26,268 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही 6,639 मतदान कर्मी रिजर्व में भी रखे गए हैं। पिछले बार की तुलना में इस बार लोकसभा चुनाव में कुल 7% मतदाता की वृद्धि हुई है।